अभी मैं जा रहा हूँ मुनबावा के रेलवे स्टेशन जो है ना वहाँ पे। तो मतलब ये भाई साहब हैं, पहले तो आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे दुकान है इनकी, रेस्टोरेंट है इनका। एक आपको रेस्टोरेंट वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे है ना, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ना, हाँ, जो पाकिस्तान की ट्रेन आती जाती है तो वहीं पे भी इनका एक रेस्टोरेंट है। तो इनको ज़्यादा जानकारी है, तो यहाँ पे आके पूछा भी, वहाँ पे अलाउड तो नहीं करते ना जाने का? नहीं, जाने का करेंगे, वहाँ पे अलाउड करते ही नहीं ना टूरिस्ट को? बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि वो एक इंटरनेशनल है। अब ट्रेन बंद कितना टाइम होगा? ट्रेन बंद हो गया, ट्रेन को लगभग 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2019 में बंद हुई, जो उरी का हमला हुआ था उसके बाद में बंद। हाँ, उसके बाद बंद है। उसके बाद अभी कोई नहीं, 270 है हटी थी धारा उसके बाद। अच्छा, 270 के बाद। तो अभी चलाने का कोई बताया आपको? अभी तो सर देखेंगे, वो तो अभी अपने को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं नॉलेज है तो भाई साहब अभी तो कोई नॉलेज है नहीं। तो पर जो मुनबावा में जो रेलवे स्टेशन है, आपको बता दूँ, पहला रेलवे स्टेशन है राजस्थान का जो इंटरनेशनल है। क्योंकि पाकिस्तान से ट्रेन अभी 2 साल पहले जो 270 धारा थी वो ख़त्म हुई, तो उससे पहले मतलब पाकिस्तान से ट्रेन इंडिया में तो नहीं आती थी आगे? वहाँ पर बिल्कुल आती है, 6 महीना वो आती है, 6 महीना अपनी जाती है। अच्छा, मतलब इधर अंदर आती है, अंदर अपने प्लेटफॉर्म तक आती है, प्लेटफॉर्म तक आती है ना, आगे तो नहीं आती? आगे नहीं। अच्छा, तो भाई बात ये जो ट्रेन का है ना सिस्टम, जो पाकिस्तान से ट्रेन आती है वो मतलब मुनबावा लास्ट स्टेशन है वहाँ तक आती है, उसके बाद में जो पैसेंजर होते हैं वो चेंज कर लेते हैं इंडिया में। जो इंडिया वाली ट्रेन का नाम क्या होता है? थार लिंक एक्सप्रेस। सो थार लिंक एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो आगे यहाँ मतलब मुनबावा रेलवे स्टेशन से जोधपुर जाती है। जोधपुर से पहले नहीं रुकती ना वो कहीं पे? नहीं सर, ओनली मुनबावा से जोधपुर भगत की कोठी है। तो ऐसे करके सिस्टम है, बाकी हम आगे जाके देखते हैं क्या सिस्टम रहता है क्या नहीं रहता है। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। पर अभी तो यार BSF का यहाँ पे ना क्या है, आर्मी कैंप है यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है। तो हमने पानी की बोतल लेने के लिए, अगर आप इस एरिया में ट्रैवल करो कभी, घूमो चाहे कैसे भी हो, तो पानी की बोतलें 2-3 साथ में रखना, क्योंकि यार पता नहीं दूर दूर कोस्ट में बाद में पानी मिले ना मिले। नहीं मिले सर, जडेजा दुकान है, इसमें ही मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो बाकी एक चीज बताऊँ, यहाँ पे जैसे ये पानी का टैंकर है मीठे पानी का, कहाँ से लेके आए? रोडी का से लेके आए, यहाँ से मतलब कितना, 20 किलोमीटर ना यहाँ से सर? 17 किलोमीटर रोडी, 17 किलोमीटर रोडी है। तो इस एक टैंकर का कीमत, ये मीठे पानी का है तो इसकी कीमत 1600 रुपए लेते हैं। और मीठा पानी वहाँ से रोहिड़ी में कहाँ से आता है? मीठा पानी हमारे मुनावो गांव में भी है। अच्छा, कुएं भी है, 60 फीट गहराई नीचे है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो रस्सी से निकालना पड़ता है। अच्छा अच्छा, वहाँ से क्या मोटर सिस्टम तो आप मोटर से ले गए हो ना? मोटर से। तो अच्छा, रोहिड़ी में वहाँ पे भी मीठे पानी के कुएं हैं, तो सारा पानी है जो कुएं अंदर, जमीन का पानी है ना वो? हाँ, जमीन का पानी है, मीठा पानी है। और वो यहाँ से लोग पीते हैं, देखो हर घर, हर जहाँ पे भी है कहीं पे भी है मीठा पानी बिना यार क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो पानी है लोकल पानी, जैसे वाटर, इसमें खारा पानी ना, इसमें खारा पानी है, खारा पानी जिसके लिए मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, भेड़ बकरियाँ होती हैं, वो खारा पानी पीते हैं। तो यार प्रॉब्लम पूरी है, पर आपको थोड़ा जितना हो सके आगे जाएंगे, आपको दिखाएंगे मुनबावा का जो रेलवे स्टेशन है वो, पर दिखा अंदर तो नहीं जाने देंगे, ये तो आपको पहले बता देता हूँ, पर जहाँ तक होगा दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं, उसके बाद में आगे रोहिड़ी जाना है भाई अपने को, आगे से आगे जाना है। आ गया हूँ मतलब एकदम तनोट, देख सकते हो आप, ये है मुनबाव, सीधा सामने मुनबाव तनोट, इस साइड में ये है भारतमाला रोड। और अभी आगे, इससे आगे मतलब परमिशन लेके जाना पड़ता है, जो लोकल्स होते हैं उनको परमिशन देते हैं। रेलवे स्टेशन पे तो एकदम पाबंदी है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल है, और उसमें मतलब मेरे को पहले ही बता दिया था भी आपको वहाँ पे तो जाने नहीं दिया जाएगा। वीडियोग्राफी जी, आप अगर जाओगे तो आप लोकल्स के साथ सपोर्ट लेके जाओगे तो आपको क्या करने देंगे, सिर्फ देखने देंगे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नो, पहले ले लेंगे। तो ये देखो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देख लो भाई, तनोट वॉरियर, वेलकम टू दी ORO। तो ये देख लो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई यहाँ पे, सारा लिखा है मुनबाव। 2 किलोमीटर भी नहीं है यार, 0.200 मीटर आगे मुनबाव है, और जो ये आगे गांव है 9 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर रोहिड़ी, 33 किलोमीटर बता रहे ना? नहीं, ये दूसरा गांव है। अच्छा अच्छा, बारमेर का वाला। अच्छा अच्छा, बारमेर, ये रोहिड़ी यहाँ से 33 किलोमीटर है। यहाँ से 33 किलोमीटर है, बड़ा दूर बता रहे हैं फिर। तो वो बता रहे हैं नज़दीक भी है? नज़दीक नहीं, रोहिड़ी 33 है और फिर वो आपके 58, और ये सीमा है 48 किलोमीटर, और NKT ये 60 किलोमीटर। ये NKT क्या है? NKT पता नहीं क्यों नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ट्रेन की जो पटरी है वहाँ पे जाके, हाँ
चले सामान इधर पड़ा कोई सामान कोई दिक्कत नहीं, वो स्पीकर ले लो। हाँ स्पीकर क्योंकि वो उठाने वाला सा है, बाकी सामने ही खड़े हैं कोई चक्कर नहीं। तो अभी यहाँ से आपको मैं, अगर आप मतलब उस पर आओ ना मुनबाव से, अगर भाई साहब ट्रेन पे आए तो आराम से आ सकते, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो अलाउड नहीं। अच्छा फिर भी नहीं, नहीं को कोई बदनाम नहीं। अच्छा तो आपका डॉक्यूमेंट लेके आए, जो भी आईडी हो, हाँ हाँ आईडी प्रूफ के साथ आए। अच्छा अच्छा घूम जाए उससे कुछ नहीं, लेकिन वीडियो अलाउड नहीं है क्यों, इंटरनेशनल। हाँ वीडियो नहीं अलाउड है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर आप बाड़मेर से सीधा मुनबाव आ सकते हो, जैसलमेर से मुनबाव आ सकते हो, तो जो रेल की ट्रेन की पटरी है ना वो यहाँ से जा रही है, तो अपने वहाँ पे थोड़ा सा जाके देख आते हैं। देख तो गया था, रेल की पटरी तो सेम ही होती है आई थिंक, वो कौन सी चेंज होने वाली है। ये क्या चीज़ है भाई साहब, सींग है किसी का, सींग हिरण की, हिरण का सींग है। देखो जी मैंने देखा, मैंने कि क्या मेरे को देखा देखा लगा, तो हिरण की सींग पड़ी है देखो भाई, तो ये बहुत पुरानी हिरण की कोई सींग है। देखो क्या बात है, मैंने देखा, मैंने कहा ऐसी लकड़ी नहीं होती, सींग ही होगी, तो सींग पड़ी है। तो ये जब कुछ बनाते हैं ना चारपाई वगैरह, उसमें लगती होती है, कोई लगाते हैं, तो मैंने देखे थे कहीं पे। तो बाकी चलो अभी आगे जाके देखते हैं पटड़ी थोड़ी। भाई जो थार एक्सप्रेस है वो इसी पे चलती है, इसी पटड़ी पे जाती है और इस साइड में जाती है। तो एक चीज़ मैं उस साइड में आपको बता देता हूँ, वो मेन रोड आ गया ठीक है, पर जो मेन बात क्या है वो ये है, पाकिस्तान की ट्रेन है जो अपने इंडिया में आती है 1 किलोमीटर तक, मुनबाव जो स्टेशन है वहाँ तक, पर अपनी ट्रेन है जो थार एक्सप्रेस है वो नहीं जाती, और वहाँ से क्या है पैसेंजर एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये भी 6 महीने पाकिस्तान की ट्रेन इंडिया में आती थी, और 6 महीने इंडिया की ट्रेन है जो पाकिस्तान के पहले स्टेशन पर जाती थी। सारा इमिग्रेशन वगैरह चेक होती है फिर इधर आती है, फिर उनका जो अपने वाली ट्रेन से मतलब जो पैसेंजर है वो जाते हैं, उनका पहला स्टेशन अपने सामने दिखता है, अपना स्टेशन पूरा डेवलप है, वहाँ का डेवलप नहीं है। मैंने जैसे यहाँ पे मेरे को फोटो दिखाई थी और नेट पे भी मैंने देखा था, तो उनका स्टेशन तो भाई एकदम, क्यों भाई साहब बिल्कुल झोंपड़ी झोंपड़ी वाला सा है ना थोड़ा, उनका स्टेशन है जो इतना बढ़िया नहीं है ना। नहीं उनका वैसा है बना हुआ है लोकल सा है ना। तो बाकी जो यहाँ पे जैसे अभी ये हैं इनके, आपके जो दादाजी हैं, मैं आपके जो काका बाबा जी जी ताऊ जी, वो जो मग सिंह जी जो मेरे को इनके पापा जी ने बताया था, पूरी रात तो हम गले मार रहे थे, तो उन्होंने बताया भी है, इनका बड़ा जो ताए जी है वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी शादी वहीं पे है। और तो आते जाते तो अब क्या है क्योंकि ट्रेन भी बंद होगी 2 साल से, तो बाकी तो ज़्यादा यहाँ से इनका जो पुराना गाँव था ज़्यादा दूर तो नहीं है, जसार नज़दीकी है, सिंध के नज़दीकी पड़ता है। तो पुराने टाइम में ये सिंध होता था हरा भरा, या इधर भाई अपने पंजाब हरियाणा गंगानगर के जो बॉर्डर है वो हरी भरी होती थी, अब तो चलो भगवान की देन है पानी पीने वाला हो गया यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। बाकी ये एरिया है भाई बड़ा खूबसूरत है, आओगे तो मज़ा आएगा। बाकी अब अपने चढ़ गए हैं इस रोड पर मेन हाईवे पर, तो अब ये जैसलमेर तक सम तक जाएगा अपने, इसी से जाएंगे और पहुंच जाएंगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, बाकी सुनना ही रहेगा इस रोड पे। मैं देखा ये हाईवे बना है पर आने जाने वाले बहुत कम ही मिलेंगे, बसें चलेगी बहुत कम ही मिलेगी, तो जो भी होगा एक्सट्रीम ट्रैवल ही होगा। तो ये देखो भाई थार एक्सप्रेस की पटड़ियाँ, एक लोकल ट्रेन और भी जाती है पर वो मुनबाव तक ही जाती है, बाड़मेर से जाती है और मुनबाव तक ही जाती है, पर उसमें आप जा सकते हो, पर कैसे जाओ गडरा के आओ, गडरा घूमो एक दिन, गडरा रुको और दूसरे दिन गडरा से चढ़ो तो सीधा मुनबाव आ जाओ, मुनबाव स्टेशन पे उतर जाओगे। बाकी अगर आप वैसे आओ तो आप दिखा सकते हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे चेक करेंगे, फ़ोटो वगैरह नहीं करने देंगे और करनी भी नहीं चाहिए यार, ये अपने देश की सिक्योरिटी भी होती है उनका, जो अगर वो कुछ हाइड कर रहे हैं ना तो वो भी एक पर्पज़ होता है ना, तो ऐसे नहीं करनी चाहिए। बाकी चलो अच्छा है, अभी जाते हैं वापस वहाँ पर, ये केर के बूटे देखो खड़े हैं बड़े बड़े भाई भाइयों, ये देखो तनोट है यहाँ से 310 किलोमीटर, वहाँ पर भी अपने जाएँगे, और रोहिड़ी है 15 किलोमीटर इस साइड में, मुनबाव इस साइड में रोहिड़ी और इस साइड में गडरा रोड, तो जहाँ पे आपका मन करे देख लो, हम जाएंगे इस साइड में। तो भाई अभी मतलब न्यू रोहिड़ी, आगे रोहिड़ी गांव है, उस साइड में पूरा डेजर्ट है, जैसे सम डेजर्ट नहीं है डिट्टो कॉपी वैसा ही है। अब न्यू रोहिड़ी पहुँच गई, इस साइड में हो रहा सनसेट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, ऐसे लग रहा है टिब्बे के पीछे ही सूरज डूब रहा है, क्या बात है एकदम, तो बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है भाई। दोस्तों हो गई है सुबह और मैं अभी हूँ रोहिड़ी गांव में, रोहिड़ी गांव में मैं रात आ गया था
और रात रुका था मैं इन भाइयों के घर पे, गोपाल सिंह के घर पर। गोपाल सिंह के घर पे रहा था, और इनके आपके भाई की शादी भी है ना? हाँ, जोगराज सिंह की। जोगराज सिंह की भी शादी भी है 5 तारीख की। और गांव ये मतलब बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम बॉर्डर के ऊपर ही है। 3 किलोमीटर इसी साइड में ना आगे।